हाय गाइस आज मैं बात करने आया हूँ आपको पता ही होगा थंबनेल देखकर आपको पता ही चल गया कि मैं साइकिल का के बात करने आया हूँ जी हाँ दोस्तों पर उससे पहले हम सुन लेते हैं कि थोड़े दिन पहले वेस्ट बंगाल में जो साइक्लोन अम्फान आया था इसकी वजह से बहुत बड़ी मुसीबत वेस्ट बंगाल में खड़ी हो गई थी और वेस्ट बंगाल में शायद एक किलोमीटर पर हवर की स्पीड से पवन आया था इसी तरह अभी तीन जून के आसपास गुजरात के और महाराष्ट्र के बीच में रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट और दमन को दमन जो है वहाँ पे तीन जून के आसपास बहुत बड़ा साइक्लोन आने वाला है मतलब कि उसकी स्पीड 120 किलोमीटर 80 किलोमीटर से 120 किलोमीटर पर हवर हो की होगी ऐसी बताई जा रही है ये साइक्लोन का नाम हुआ है निसर्गा और इसकी डिटेल अभी अभी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मतलब आईएमडी ने एक जून को दी है और यह जो डिस्प्रेशन अरेबियन सागर में बना था वो साइक्लोन स्टॉम निसर्ग में बदल गया है और वो उत्तर महाराष्ट्र और गुजरात में से पसार होगा हरिहरेश्वर जो रीघा डिस्ट्रिक्ट में आया है वहाँ से और दमन को तीन जून के आसपास होगा इसकी हर एक अपडेट मैं आपको देता रहूँगा साथ ही साथ दस एन की टीम भी वड़ोदरा से निकल गई है अलग अलग क्षेत्रों में जाने के लिए जहाँ पे ये साइक्लोन आने वाला है तो दोस्तों इसकी हर एक अपडेट में आपको बिल्कुल देता रहूँगा कि कब आने वाला है साइक्लोन कैसा है पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ बेलाइकन को प्रेस कर देना है मेरा में बहुत सारे वीडियो ये साइक्लोन कैसे ट्रैक करता है और क्या होता है ये साइक्लोन और उसकी दिशा कोई बदल कोई भी, को भी लेटेस्ट अपडेट आती है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा तो जल्दी जल्दी चैनल को साथ सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और बहुत लोगों को जिनको नहीं पता ये जानकारी उनके साथ शेयर कीजिए चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ